अंजलि वो मेरे ड्रीम ग्लासेस हैं। कौन से? ये देखो की क्या रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, ननन भाभी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी जो है दोपहर के 12 बज चुके हैं और ननन भाभी पहुंची हुई है किचन में। दोपहर के खाने की हम तैयारी कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो हमने सभी ने कर लिया था। आज हम बना रहे हैं आलू पकौड़े की सब्जी। तो और भाभी बनाने लगे हैं फुलके। अभी दोपहर का खाना रेडी करके उसके बाद हम स्टोरी के लिए रेडी होते हैं और अंदर जो है देख के आते हैं। मम्मी और भैया भी अपना जो है बातें कर रहे हैं। क्या, ये क्या चल रहा था? क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया जी? ये तो ठप्पा वाला काम हो गया। हम मारने आ रहे थे तुम्हारे ऊपर ठप्पा, इधर से तुम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हमें जालस हो रही थी, कहता ये वाला व्लॉग ना अच्छे से शुरू नहीं हुआ, इन्होंने अच्छे से शुरू कर लिया। मैंने कहा ओके, मम्मी लग जाते हैं दोबारा, मेरी चुन्नी काम है। ओके ओके ओके, दोबारा स्टार्ट करोगे फिर? कॉपी कॉपी है मम्मी, कॉपी कर रहे हो? हाँ, सब्जी का मसाला भी होने वाला है रेडी। यहाँ पे आलू भी कट कर लिए हैं और ये होते हैं पकोड़े। ये वाले पकोड़े आज हम बना रहे हैं, बेसन के बने हुए मिलते हैं ये। तो क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो टाइम तो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और हमारा खाना रेडी हो चुका है। सब्जी तैयार हो गई थी, देखो कैसी लग रही है भाभी। अच्छी लग रही है ना? आज अंजलि ने बनाई है सब्जी और साथ में रायता बना लिया है। तो खाना खा के हम स्टोरी के लिए होने लगे हैं रेडी। अभी लड्डू रोने लग गया था, बाहर चला गया पापा के साथ घूमने के लिए। चलो तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और स्टोरी से हम अब फ्री हुए हैं। शूट में लग गए थे, भैया यहाँ पे लग चुके हैं एडिट करने के लिए वीडियो को। और हमारा लड्डू भी सो के उठ गया है। सभी रेडी होके जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। शूज वगैरह लेने थे भैया और पापा। ये देख लो लड्डू अपने शूज देख रहे हैं कि कौन से डालो। चलो चलो जल्दी चलो शूज डालो। चलो सबसे पहले तो हम आए हैं 22 नंबर के मार्केट, यहाँ पे जा रहे हैं हम रेड टेप में शूज देखने। वही देख के खुश हो जाता है ये। वही में तो भैया के लिए शूज हमें पसंद ही नहीं आए। शूज लेने के लिए तो हम कल जाएंगे दूसरी मार्केट, वहाँ पे थोड़ा लड्डू की, क्योंकि हम आ गए यहाँ पे मॉल में। खुश हो गया लड्डू। तो देखते हैं करते हैं शॉपिंग। हमारी शॉपिंग हो गई है, 2 ड्रेसेस ले लिया हमने, एक मेरी ले ली, एक अंजलि की। इसका ग्रीन भी ले लेंगे। हां इसमें ग्रीन कलर। तो अभी हमने ना कपड़े जो है उनकी शॉपिंग तो कर ली है, 2 ड्रेसेस ले ली। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कप, बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर कप देख रहे हैं। ये डिजाइन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं और भी लड्डू भी ना बस वहाँ घूम रहा है। देख लो शॉपिंग बेटा, शॉपिंग करने तो दे, बिल बाद में होगा ना। यहाँ पर हम देख रहे थे गिलास, तो ये वाले गिलास हमने फाइनल कर दिए हैं, ये गिलास ले लिए। कुछ और भी देख रहे हो मम्मी? अंजलि वो मेरे ड्रीम ग्लासेस हैं। कौन से? ये देखो की कह रहे हैं। वाओ ये देखो की कह रहे हैं, कहते ये सारा सामान इस चपा इस चपा के अंदर। नहीं नहीं सारा थोड़ा ना ले रहे हैं। चलो मम्मी चलो, हट नहीं रहा जी, बस वही कर लो। तो भी हम वापिस जा रहे थे बिल करवा के, लिफ्ट हमें अलग अलग में जाना पड़ गया क्योंकि इसमें 2 पर्सन वाली लिफ्ट लगी हुई थी, भैया और मम्मी अलग से। देखिए ये क्या, यहाँ पे तो 8 पर्सन लिखा हुआ है। वो तो रुक गई थी, ओवरलोड हो गई, ओवर साइज है शायद, लगता मेरा ज्यादा प्यार। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। शॉपिंग डन करने के बाद हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बर्गर किंग में जा रहे हैं। बर्गर किंग में देख रहे हैं क्या ऑर्डर करना है। भी खुश हो रहा है। बर्गर किंग से हमने एक तो ले लिया, ये शेक कौन सा लिया मम्मी? लिया है, कभी ट्राई नहीं किया हमने ऐसा लिया है। और हमने बर्गर पैक करवा लिए। ठीक होता है ना ये, ज्यादा ठीक होता है ये। अच्छा हाँ, और बर्गर भी पैक करवा लिए, तो अभी बस घर चल रहे हैं वापस।
गए थे घर वापिस और मम्मी दिखा रहे हैं पापा को सामान की क्या क्या लेकर आए हैं। ये गिलास ना हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आए। कितने ले लिए मम्मी? ये 10 गिलास। 10 ले लिए? ठीक है, 10 का सेट तो था। अच्छा सेट, मैंने नहीं बोला कि 10 दे दो। ठीक है ठीक है, अच्छे लग रहे हैं ये वाले गिलास। 9:30 बज गए, अंजलि बना रही है खाना। और आज खाने के लिए सब्जी ना पापा ने बना रखी थी जब हम मार्केट गए थे पीछे से, आलू गोभी की सब्जी फ्राई करके बहुत ही स्पेशल बनाई है पापा ने। अंजलि सारे बोलेंगे तेरी भाभी तो कैमरा लेके खड़ी रहती है, तू फुलके बनाती है। कोई नहीं बोलेगा भाभी, ऐसा बोलते हैं कमेंट में आता है। काम है ये भी काम है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आप ये कैमरा जब बंद करोगे उसके बाद सर्व भी तो करोगे ना सभी को। अभी ना भैया तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं, लड्डू मम्मी पापा अंदर बैठे हैं तो सभी के लिए खाना हम बना रहे हैं बस। तो अभी खाना हमने सभी ने खा लिया है और अभी मम्मी लिखवा रहे हैं स्टोरी हमारी, एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी और मजेदार भी स्टोरी रेडी हो रही है, तो उसको आज से लिखना शुरू किया है। माइंड में मम्मी ने सारी कर रखी है, बस आज से उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे और होप कि हम कल से उसको बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। हैं मम्मी साथ साथ लिखते रहेंगे, साथ साथ उसके एपिसोड बनते रहेंगे, बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, बहुत ही मजेदार भी इमोशनल भी। तो अभी लड्डू बैठे उधर पापा के पास और हम यहाँ पे तीनों बैठे थे भाभी में और मम्मी। अभी लड्डू आ गया था यहाँ पे इस रूम में और ना पेन उठा के गोटा दर्द हट जाएगा तेरा, पेन उठा रहा था, अगर मना कर दिया तो कहता मेरे घुटने में दर्द हो रही है। आई कहाँ आऊंगी, यहाँ आऊंगी आई, ये रोज एक्टिंग, हाँ रोज एक्टिंग करता है, जब भी कोई चीज चाहिए बस कहता है मेरे घुटने में दर्द होने लग गई है, यहाँ दर्द हो रही है, मुझे वो चीज दे दो तो ठीक हो जाएगी। अरे लड्डू ड्रामेबाज बन रहा है मम्मी, लड्डू ज्यादा है ना, है मम्मी लड्डू ड्रामेबाज बन रहा है ना ज्यादा। पता नहीं गया किस पे आई, पता नहीं। तो पक्का ये अपने नाम के में कोई करता होगा जरूर ऐसा, इसका मामा या इसकी मासी कौन करता है ऐसा बेटा, कौन करता है, कौन करता है, और ये बात है दिल्ली लिख रही है स्टोरी, भैया भी आ गए हैं। हाँ स्टोरी लिखवा रहे हैं मम्मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जब भी ना कोई बच्चे कुछ अच्छे काम करते हैं ना तो हर दादी यही बोलती है कि ये तो मेरे पे गया है, अपनी दादी पे गया है। अच्छा। और जब भी बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो हर दादी ऐसी कहती है ये नानको पे गया है, नानको की रख गया है इसमें। और मैंने भी वैसे ही बोल दिया फिर, है ना, नानको पे गया है, है? है मेरे शैतान में। 11 बज गया और लड्डू ने शोर मचा दिया कि बाहर चलना है घूमने के लिए, तो चलते हैं इसको चिज्जी दिला के लगते हैं लड्डू को।